गाइस मेरा आज का व्लॉग लेट डलेगा क्योंकि आज आप लोगों को पता ही है तक्षवी का फर्स्ट बर्थडे था तो हम लोग यहीं आए थे फंक्शन में। तो सॉरी गाइस आज का व्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 12:30। अभी हमें घर पहुंचने में एक बज जाएगा, एक नहीं मतलब 1.5 घंटा लगेगा अभी हमें घर पहुंचने में। तो इस वजह से मेरा व्लॉग थोड़ा डिले मतलब लेट डलेगा, डलेगा जरूर बट लेट डलेगा। तो घर जाके मैं एडिटिंग करूंगी और मैं इतना ज्यादा टायर्ड हो गई हूँ तो घर जाके एडिटिंग करके फिर उसके बाद मैं व्लॉग डालूंगी। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे 11 और मैं उठ गई हूँ। मैं पहले ही उठ चुकी थी, मैंने चाय नाश्ता भी कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले शावर लेने, फिर उसके बाद मुझे जाना है पार्लर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज 26 अक्टूबर है तो मेरे जेठ जी उनकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है तो हम लोगों को वहाँ पर जाना है। तो इस वजह से अभी मेरे को जाना है पार्लर जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए, फिर हम लोग वहाँ के लिए निकलेंगे फंक्शन के लिए। गाइस तो मेरा शावर हो चुका है और अभी मैंने सेम वही टी शर्ट पहन लिया कल वाली क्योंकि मेरे को जाना है अभी पार्लर डिटेंड करवाने के लिए। और देखो कौन आया आज फिर। ये साइड हो जाओ, से निकलना है। निकल पापा। पापा लग दो। गाइस 2 बज चुके हैं, 3 बजे मुझे पार्लर जाना है तो उससे पहले मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ, ये लगा रही हूँ इंस्टा ग्लो शीट मास्क उपचन। ये जहाँ से मैं अपना सामान लेने गई थी मेकअप का, उन्होंने मुझे दिया था कि अगर आपको पार्टी में जाना होता है किसी फंक्शन में, आपने फेशियल क्लीनअप कुछ नहीं करवाया तो ये इंस्टेंट ग्लो वाला फेस मास्क है, आप इसे लगाइए 15 से 20 मिनट रखिए तो इससे थोड़ा ग्लो आता है। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, मैंने अपने फेस पे कभी कुछ लगाया नहीं है, आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, देखती हूँ इसका रिजल्ट क्या आता है। तो गाइस ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये खुलेगा कैसे, बहुत मुश्किल है, मैंने कभी यूज़ नहीं करा, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ बट ये खुल गया। बहुत देर से मैं ट्राई कर रही थी, खुल नहीं रहा था, खुल गया। मुझे ऐसा लग रहा है फट गया है फिर से। इसे अपनी आईज और लिप्स से एकदम बचा के लगाना है तो मैं लगा लेती फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस इसने लगा लिया अपना फेस मास्क, अब इसका रिजल्ट देखते हैं थोड़ी देर में फिर आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस इसको लगाए हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब इसको ये रिमूव करेगी फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट। गाइस मैंने इसे रिमूव कर लिया है और इसका रिजल्ट देखिए, थोड़ा बहुत तो असर हुआ है ना, थोड़ा बहुत तो फर्क लगा है। अब इतना मतलब इतना ज्यादा मेरा फेस ब्लैक हो रखा था ना तो थोड़ा बहुत तो मुझे लग रहा है, बट इसे लगाने के बाद कोई फेस वॉश नहीं करना, बस इसे लगाने के बाद जब आप रिमूव करोगे तो हल्के हल्के हाथों से रब करना है आपको और देन आपको अपना मेकअप स्टार्ट कर देना है। तो अब मैंने रिमूव कर लिया है, अब मैं जाऊंगी 1/2 घंटे बाद पार्लर। मैं गई, मैं रेडी होने के लिए जाऊंगी, अभी मैं वहां नहीं गई डिटेन करवाने के लिए, मैं जाने वाली थी बट फिर मैं गई नहीं, मैंने सोचा कि इतनी जल्दी तो कुछ असर दिखेगा नहीं, इससे अच्छे फिर मैं यही लगा के देख लेती हूँ एक बार, तो थोड़ा बहुत तो मुझे फर्क लगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को लगा या नहीं लगा। गाइस आज ये लड़की सो चुकी है तो आराम से सो गई, आज आज घर में सब है तो सो गई, कल कोई नहीं था, हम दोनों संभाल रहे थे तो नहीं सोई थी, कल रोई जा रही और आज आराम से सो गई। टाइम देखो 2:45 हो रहे हैं बट लेट नहीं रही है, बट ये सो गोदी में ही रही है, जैसे ही इसे बेड पे लिटा रहे हैं ना तो रो रही है। 3:30 बज चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ पार्लर, रेडी होके आपको मैं अपना पूरा लुक दिखाऊंगी। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आज हम दोनों ने सेम वही कपड़े पहने जो हमने अपनी एंगेजमेंट में पहने थे। गाइस मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, अभी मैंने कोट नहीं पहना है, कोट मैं जहाँ वेन्यू पे पहुंचूंगा तब पहनूंगा, तब आपको फाइनल अपना आउटफिट दिखाऊंगा। और इनका आपने देख ही लिया, ये हमारी एंगेजमेंट की ड्रेस है ना, इन्होंने अपना ये पहना था 3-पीस। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वही ड्रेस फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि हमने अपनी एंगेजमेंट में पहना था, एक एक बार ही पहना है तो इसलिए ये ऐसी रखी हुई थी ड्रेस मेरी, तो फिर मैंने कहा कि मैं यही पहन लेती हूँ फिर से।
गाइस आपको एक यूनिक दिखाता हूँ, इनको देखिए ये कैसे बैठी हुई है बिल्कुल ही गेट भी बंद नहीं हो पा रहा गाइस। तो हम लोग निकल चुके हैं और इतना ट्रैफिक लगा हुआ है ना, और टाइम देखिए 6:15 हो गया है और हमें पहुंचना है 7 बजे तक, 7 बजे केक कटिंग है और इतना ट्रैफिक लगा हुआ है, अभी हम यहीं फंसे हैं, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। दिल्ली का ट्रैफिक, गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, टाइम देखो कितना हो गया, टाइम 7:30, पूरे 1.5 घंटे में पहुंचे हम लोग और सब लोग हमारे अंदर वेट कर रहे हैं, अभी तक केक कटिंग नहीं हुई बस सब हमारा ही वेट कर रहे हैं अंदर। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ वेन्यू पे, बस अब कार पार्क हो रही है हमारी, फिर हम लोग जाएंगे अंदर। ये दोनों भी आए हैं गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। बस पहुंच गए गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं और ये देखिए डेकोरेशन कितनी सुंदर हो रखी है। वेलकम टू लक्ष्मी फर्स्ट बर्थडे, ये देखिए कितना सुंदर व्यू है लक्ष्मी। इधर देखो श्री, तो गाइस अब मैंने 1 by 1 सारे जो भी स्टार्टर्स था सब मैंने टेस्ट किया। सबसे पहले मैंने गोलगप्पे टेस्ट करे एंड गोलगप्पे मुझे इतने पसंद आए ना यहाँ के, बहुत यम्मी थे गोलगप्पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने चीला खाया, चीले भी बहुत टेस्टी थे। और अब ये मेरे को गोलगप्पे खिला रहे सिर्फ इसलिए वीडियो बनवाने के लिए। मैंने सारे स्टार्टर्स सब टेस्ट करे और सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं दही पापड़ी, एंड मैंने खाया फिर पिज्ज़ा। फिर उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को तक्ष्वी की फोटो, इतनी सुंदर। हटा देंगे।
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यहाँ हम लोग कर रहे हैं डिनर। और यहाँ चल रहा है हमारा फोटो शूट। अब हम लोग निकल रहे हैं गाइस। इतना ज्यादा थक गए हैं ना, हील्स पहनने की आदत नहीं है, बिल्कुल चलना नहीं ज्यादा, पैर इतने दर्द कर रहे हैं। और 6 किलो का बोरा जो टांग रखा है वो, हाँ, गाउन भी बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। अब हम लोग बस घर पहुँच के फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस हम लोग फंक्शन से निकल चुके हैं एंड फंक्शन इतना अच्छा हुआ, बहुत प्यारा फंक्शन हुआ। आज लक्ष्मी का फर्स्ट बर्थडे था तो बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। अब हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, हम लोग घर जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे ब्लॉग को। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, माय इंस्टाग्राम आईडी शिखा गुप्ता 0108। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस, लव यू ऑल। गाइस रात के 12:30 बज रहे हैं तब भी इतना ट्रैफिक लगा हुआ है बाहर। अब पता नहीं हम घर कब तक पहुंचेंगे, 2 घंटे तो लगे जाएंगे हमें घर पहुंचने में। अप्रोक्स इतना ही लगेगा। हाँ।